आज मैं 50,000 रुपए इकट्ठे नहीं कर पाया तो बैंक वाले मेरा ट्रैक्टर खींच ले जाएंगे। इसी बात की टेंशन में मुझे रात भर से नींद चैन नहीं मिल रहा। कल मैंने बीज की रखी हुई सोयाबीन को बेच दिया था, उससे मुझे 30,000 रुपए मिल गए थे, लेकिन मेरे ट्रैक्टर की किस्त 80,000 की है। अभी मुझे 50,000 रुपए इकट्ठे करने हैं। इसी बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता हूँ मैं। बैंक वाले बार बार कॉल करके बोल रहे हैं अगर ट्रैक्टर की किस्त जमा नहीं करी ट्रैक्टर को खींच ले जाएंगे। फिर मैं सभी दोस्तों को कॉल करने लग जाता हूँ, शायद किसी दोस्त से मुझे हेल्प मिल जाए। मेरा एक दोस्त मुझसे मिलने आ जाता है, लेकिन मेरे दोस्त के पास भी पैसे नहीं है। फिर मैं आलू खोदने लग जाता, शायद इनको बेचकर कुछ पैसे इकट्ठे कर लूं, लेकिन आलू भी अभी बहुत छोटे हैं। अब मैं करूं तो करूं क्या, अब मेरे पास कुछ ऑप्शन भी नहीं है। शायद मेरी किस्मत ही खराब है, आलू खोदने में नाखून और टूट जाता है। लाइफ में पहली बार इतना ज्यादा परेशान हुआ हूं मैं, मुझे रोना आ जाता है। लेकिन मैं इस तरीके से हार नहीं मान सकता। मैं अब पहले से ज्यादा मेहनत करूंगा और ट्रैक्टर की किस्त भर के रहूंगा। मैं अपने बहादुर घोड़े को कभी दूर नहीं जाने दूंगा, चाहे मुझे बैंक वालों से लड़ाई क्यों ना करना पड़े। अगर मेरे किसान भाई मेरे साथ है तो कमेंट में सपोर्ट जरूर लिख के जाना।